सो हाय गाइस, स्वागत है आपका मेरे व्लॉग में। अभी दोपहर के बज रहे हैं 3 और आज है सैटरडे। आज शाम को मुझे निकलना है दिल्ली, और दिल्ली जाने के पीछे रीजन ये है कि मुझे अपनी दुकान के लिए सामान लाना है। और आज रात की 9:30 या 10 बजे एक मैंने बस में स्लीपर बुक कराई है, और मेरा छोटा भाई दोनों जा रहे हैं। और दिल्ली जाने की तैयारी में आज सुबह सुबह मैंने उठ के पहले तो मैं सैलून गया, क्योंकि बाल वगैरह बियर्ड वगैरह काफी हो गई थी। सुबह सुबह मैंने सैलून गया सबसे पहले कि हुलिया सुधारा। अभी तो मैं कटिंग वगैरह करवा के बिल्कुल फ्री हो गया हूँ, तो जाके उसको फ्लैशबैक में देखो। रात को 10 बजे की बस है, दुकान से मैं 8 बजे निकलूंगा, घर जाऊंगा, चेंज करूंगा। दिल्ली जाने की बहुत एक्साइटमेंट होती है मुझे, पता नहीं क्यों, मुझे दिल्ली बहुत पसंद है। वैसे तो सभी को ही पसंद है, मेरे हिसाब से दिल्ली जगह ही ऐसी है खाने के लिए, घूमने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए, काफी बढ़िया जगह है दिल्ली, तो मेरी ऑल टाइम फेवरेट है दिल्ली, तो मन करता है बार बार जाऊँ। तो चलते हैं फिर दिल्ली। तो अभी 8:30 हो रहे हैं रात के, अभी घर आया हूँ। तो अभी मैं आते आते बाहर से पनीर ले आया था, मम्मी इसकी भुर्जी बना देंगे और हमारे लिए खाना पैक कर देंगे, तो खाना घर से ही पैक करके ले जाएंगे, तो बस में बैठ के मजे से खा लेंगे। तो भाई बैग वो अपना पैक है, टाइम अभी हो रहे हैं 9:30, 9:45, 10 बजे की बस है, तो अपनी तो पैकिंग पूरी है, अब बस निकलना है। और बैग में अपनी जरूरत का सामान डाल लिया, जो भी काम आएगा। तो अभी हम पहुँच गए बस के पिकअप पॉइंट पे, जहाँ से हमारी बस हमें पिक करेगी। तो अभी फिलहाल कैश मेरे पास बिल्कुल नहीं है, तो मैं इस एटीएम में आया हूँ कैश निकालने के लिए, क्योंकि कैश की बहुत नीड है, तो ये काफी है मेरे जेब में रखने के लिए। थैंक यू एटीएम पैसे देने के लिए। तो अभी हमने बस वाले को फोन किया, बस वाला कम से कम आधा घंटा लगाएगा पिकअप पॉइंट पे पहुँचने के लिए। अभी मैं खड़ा हूँ बस के पिकअप पॉइंट पे, पर बस आधा घंटा लेट है। तो अभी हम आ गए अपनी स्लीपर में, तो ये अपनी स्लीपर, अपना बैग रख लिया, शूज खोल लिए हैं। तो स्लीपर के अंदर ये एक चीज बनी है, पता नहीं क्या है, पर हम अपने शूज रख लेते हैं यहाँ। तो ये आगे अपने जूते। तो भाई थोड़ी देर चलने के बाद हमारी गाड़ी लगी एक ढाबे पे, तो अभी सभी यहाँ पे खाना पीना खाएंगे, पर हमने अपनी खाना घर से लाया, तो बस यहाँ पे आधा घंटा रुकेगी, आधा घंटा लोग सभी खाना पीना खाएंगे। तो भाई ढाबे से फिलहाल मैंने ये खरीदा, एक पानी की बोतल और एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल। अभी गाड़ी ढाबे पे रुकी है, पर हमने घर से खाना लाया, फिलहाल मैं खाना खा रहा हूँ। गुड मॉर्निंग गाइज, तो फाइनली सुबह के 8:30 हो रहे हैं और बस ने जस्ट 10 मिनट पहले उतारा है। तो गाइज यहाँ से चाय वगैरह पी लिया हमने, कोल्ड ड्रिंक वगैरह ले लिया, पानी वगैरह ले लिया, तो अभी हम जाएंगे मेट्रो की तरफ। मेट्रो में बैठ के जहाँ पे काम जाना है वहाँ पे जाएंगे। तो भाई सुबह के 9 बजे हैं, तो इतना ये सब रश है सुबह सुबह दिल्ली के जो मेन कश्मीरी गेट है यहाँ के बस स्टैंड पे। तो भाई ये ले लिए मैंने मेट्रो की टिकट, अभी मेट्रो देखते हैं कौन सी लाइन में चढ़ना है, मेट्रो की बहुत दिक्कत होती है। जी ये रहा अपना मेट्रो का प्लेटफॉर्म, यहाँ पे आएगी अपनी मेट्रो, सभी वेट कर रहे हैं। एक मेट्रो छोड़ दी है जो ये हमारी मेट्रो थी, अभी यहाँ से मेट्रो चेंज करनी है, दूसरी मेट्रो पकड़नी है। अभी मेट्रो से बाहर आके रिक्शे में बैठ के जा रहे हैं, ये भैया उस मार्केट तक छोड़ेंगे। अभी मार्केट में पहुंच गए जहाँ पे हमें काम है, तो दुकान का काम वगैरह समेट लेते हैं, फिर देखते हैं क्या बनता है। तो भाई अपने को ब्रेकफास्ट भी करना, तो ये भाई साहब मिले हैं छोले कुलचे वाले, इनसे हमने 2 प्लेट छोले कुलचे लगवाए हैं। और यहाँ पे छोले कुलचे खाते खाते मेरे साथ इंसिडेंट ये हुआ कि मैं छोले कुलचे खा रहा था, तो मेरे पीछे ना एक लड़ाई लग पड़ी, और वो लड़ाई धीरे धीरे इतनी सीरियस हो गई, पर मैंने उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। मैं अपने खाने में इतना मस्त था कि मेरे पीछे लोग लड़ रहे थे और मैं बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा था। जो भी देखता है अबे मेरे क्या कर रहा है, अगर तुम मुझे पानी के लिए बोलते मना करता मैं मुझे पानी मना करूंगा, पानी के लिए ऐसे कोई भी आता है लेवल उठा के पानी भर लेता है। तो भाई फाइनली 3-4 घंटे पैदल घूमने के बाद अभी हम मार्केट से फ्री हुए हैं। तो भाई इतनी गर्मी है ना दिल्ली में, घूम घूम के बुरी हालत हो गई, इतनी गर्मी है भाई दिल्ली की, गर्मी क्या ही बताऊं। तो भाई शिकंजी पी लेते हैं, गर्मी बहुत है, ठंडी बनाना ठंडी चिल्ड, ग्लास थोड़ा गंदा है वो बदल देंगे। तो एक एक ग्लास चिल्ड शिकंजी लेके अभी जा रहे हैं मेट्रो, फिर देखते हैं आगे क्या सीन है, कहाँ जाते हैं कहाँ नहीं।
अभी ये है अपना करोल बाग का रश मेट्रो स्टेशन पे। तो अभी शाम हो गई है, हम अपने काम से बिल्कुल फ्री हो गए थे और हमने अभी फिलहाल बस बुक कराई है जिसपे हमने वापसी जाना है। स्लीपर बुक कराई है जो शाम को 7:30 बजे चलेगी। तो अभी ऑटो लेके फिलहाल उसी बस के पास जा रहा हूँ, यहाँ पे सामने कहीं बस लगी है। तो अभी ये रोड क्रॉस करके हमें दूसरी तरफ जाना पड़ेगा। तो भाई अभी मैं रेड फोर्ट के ऑपोजिट में हूँ, ये सामने है रेड फोर्ट और इसके सामने मार्केट है कबूतर मार्केट। पर भाई यहाँ पे कबूतर कम और शूज ज्यादा दिख रहे हैं मुझे, यहाँ पे कबूतर कम शूज ज्यादा दिख रहे हैं। हर कोई बंदा जूते ही बेच रहा है भाई, पता नहीं क्या सेल में या पता नहीं सस्ते में। तो भाई बाकी अपनी बस की बुकिंग हो गई है, अभी बस की तरफ ही जा रहा हूँ। 7:30 बजे यहाँ से निकलेगी, सुबह पता नहीं कब पहुँचाती है। तो अभी 6 बज रहे हैं, 7:30 बजे निकलेगी, 1.5 घंटा वेट करना पड़ेगा। तो मैंने सोचा बस में जाके ही वेट करूंगा, मार्केट वगैरह घूम ली, पर गर्मी इतनी है कि मार्केट घूमने का मन नहीं कर रहा था। तो भाई अपनी बस मिल गई जो हमने बुक करवाई थी, बाकी ये बस वही है जिसपे हम रात को आए थे। तो ये वाला सामने वाला स्लीपर अपना है, यहाँ पे रात को सो के जाएंगे। तो ये वही बस है जिसपे हम कल आए थे, हमने ऐसे एक्सीडेंटली बुक कराई, हमें नहीं पता था कि यही बस मिलेगी हमें वापस। और इस बस का रात को एसी भी खराब हो गया था, बड़ी बुरी हालत थी, बड़ी मुश्किल से पहुंचे थे, पर अभी एसी ठीक है। तो भाई इस बस को चलने में थोड़ा सा टाइम था, तो मैं अभी घूम रहा हूँ फिलहाल इस मार्केट में, क्योंकि अभी आधा घंटा बचा है गाड़ी चलने में। तो इस जगह का नाम है कबूतर मार्केट, पता नहीं क्या कह रहे थे। फिलहाल मैं यहाँ पे एक्सप्लोर कर रहा हूँ, घूम रहा हूँ, देख रहा हूँ माहौल आगे पीछे का। बहुत क्राउड है भाई इस जगह पे, इतना ज्यादा क्राउड है कि पता नहीं क्या क्या सेल वगैरह लगी यहाँ पे, कपड़ों की, जूतों की, हर चीज की, शैम्पू की, साबुन की, पता नहीं क्या क्या, बच्चों के कपड़े। तो भाई बस यही एक्सप्लोर कर रहा था, देख रहा था क्या क्या है यहाँ पे। ये देखो भाई यहाँ पे जीन्स बिक रही है, तो लोग जीन्स देख रहे हैं, ले रहे हैं। यहाँ पे परफ्यूम्स बिक रही हैं, ये यहाँ पे शैम्पू बिक रहे हैं, ये देखो शैम्पू बिक रहे हैं, पता नहीं क्या डुप्लीकेट ओरिजिनल है। और ये कपड़े बिक रहे हैं 100 में 150 में 200 में, बाकी खाने पीने की चीज़ें भी हैं। तो भाई ये अपने भाई बल्ले बुल्ले बेच रहे हैं, यहाँ पे खाते हैं कुछ बढ़िया गोल गप्पे, बल्ले, दही बल्ले, दही पापड़ी, भैया को बोला मैंने बनाने को। तो भाई ये लगी अपने सामने बस, जो कि फिलहाल आधे घंटे बाद चलेगी। तो मैं इधर सामने आ गया भाई साहब के पास बल्ले खाने, बल्ले पापड़ी खा के देखते हैं, थोड़ी भूख भी लगी है अभी। बाकी खाना ढाबे पे खाएंगे जहाँ पे बस रुकेगी, फिलहाल थोड़ा बहुत खा लेते हैं। तो भाई ये अपनी बल्ले पापड़ी कुछ खास टेस्ट नहीं है, पर ठीक ही है एवरेज। तो अभी रात के 8:20 हुए हैं, तो अभी फाइनली हमारी बस चली है। बाहर बहुत अंधेरा हो गया है, तो देखो अब सुबह कब पहुँचाती है। वैसे तो इसने रास्ते में एक ढाबे पे भी रुकना है अभी। तो भाई अभी रात के 12:30 बज रहे हैं, तो गाड़ी चली थी हमारी 8:30 बजे वहाँ से। तो अभी 4 घंटे ड्राइव के बाद गाड़ी हमारी रुकी है एक ढाबे पे, तो अभी अचानक से गाड़ी रुकी है। मूड तो नहीं है वैसे खाने पीने का, पर देखते हैं खाना पीना खाते हैं कुछ थोड़ा बहुत लाइट लाइट। ये रहा अपना ढाबा, ये रुकी है हमारी बस। तो अभी रात के भाई 12:30-1 बज रहा है, तो अभी खाने का मूड होगा तो देखते हैं खाते हैं कुछ। तो भाई बिना खाए तो काम चलना नहीं था, फिर हमने मंगवाई सिंपल दाल और चपाती, मस्त ढाबे पे बैठ के किया डिनर, डिनर करके निकलते हैं। 10 घंटे बस में ट्रैवल करने के बाद अभी फाइनली पहुंचे हम अपने शहर। और भाई यहाँ आके देखा बारिश लगी हुई है, तो मस्त बारिश लगी हुई है, बारिश ने अपना वेलकम किया है, मौसम ठंडा है। 10 घंटे का सफर करके फाइनली अपने शहर पहुंचे हैं। तो अभी नींद भी बहुत चढ़ी है कि बस में तो नींद पूरी होती नहीं, तो अभी चलते हैं घर, थोड़ा सा सोएंगे। तो ऐसा था अपना दिल्ली का सफर, अभी वापस दुकान पे आ गया हूँ, तो मस्त मजा आया। बाकी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, फिर मिलेंगे कुछ ऐसे सफर पे, तब तक के लिए बाय बाय। Minimum, minimum, swap. Minimum, minimum, swap.